जी तो नाज़रीन, रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक मैं बाहर निकल जाता हूँ सैर करने के लिए। तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ गेट तक आता हूँ, ये G15 है इस्लामाबाद 26 नंबर के साथ, एक सोसाइटी है आज़ाद जम्मू कश्मीर सोसाइटी। इसके बाहर जो है एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा होता है और बिल्कुल एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है रोड के दूसरी जानेब। अभी आपको मैं थोड़ा सा आगे जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह वो अपना गाह की तलाश में बैठा होता है और अल्लाह तवक्कल पे अपनी रोज़ी का एक उसने ज़रिया बनाया हुआ है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ इस बंदे की हेल्प की जाए ताकि कोई ये बंदा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। और मैंने भी कोई थोड़ी सी इसकी हेल्प की है, लेकिन जो मुखय्यर हज़रात हैं वो भी काइंडली जो है इस पे इस भाई के साथ तावन करें, कोई इसको कुछ ऐसा कर दें कि ये अपना सेटअप बना ले ताकि इसका रोज़ी का निज़ाम चलता रहे। ये भिखारी नहीं है, ये एक खुददार पठान है और पश्तो स्पीकिंग है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पठान जो है वो गैरती होते हैं और काम को तरजीह देते हैं, मांगने से गुरेज करते हैं। तो काइंडली, इस सोसाइटी में बहुत सारे पठान भाई भी रहते होंगे और बड़े मुखय्यर हज़रात होंगे माशाल्लाह। तो रईस, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, कोई 1.5 लाख के साथ इसकी जो है ना हेल्प हो सकती है। तो काइंडली जो है इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ऐसे लोगों की जो है ना हौसला अफज़ाई की जाए ताकि बेरोज़गारी और गुरबत का खात्मा हो और हर बंदा अपने बरसे रोज़गार हो जाए। अभी इसके पास भी चलते हैं, भाई से बातचीत भी करेंगे और इससे पूछेंगे कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं किस तरह अपने घर के हालात किस तरह वो मैनेज करता है इस महंगाई में, और रोज़ी रोटी का किस तरह बंदोबस्त होता है, कितने बच्चे हैं इसके, सारी डिटेल इस बंदे से पूछेंगे। और साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अभी बंदा जो है फिर अपनी जगह पे आ गया है और एक गाहक उसका फिर भी आ गया है। गाहक आते रहते हैं इसके पास और इस तरह ही ये बंदा बाहिम्मत है और इसकी कोई कमर में भी कुछ थोड़ा सा मसला है, प्रॉब्लम है। तो चलते हैं अभी इसके पास और इनसे बातचीत करते हैं। वालेकुम रहमतुल्ला सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? क्या नाम है सर आपका? प्यार ये जी, बहुत बंदा शर्म कर रहा है और इसने यहाँ पे एक अच्छा, वैसे आप बता दें ये आपने कारोबार कैसे करना शुरू किया है वो यार। थोड़ा सा आपका क्या नाम है? नौशाद जी। क्या नाम है? नौशाद। नौशाद, नौशाद जी। ये जी नौशाद भाई हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे G15 के आगे ना, माशाल्लाह बहुत इन्होंने अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। और नौशाद साहब, कितने बच्चे हैं आपके? तीन है सर। तीन बच्चे हैं। इस बंदे को जी हम वीडियो पे नहीं लेके आ रहे और इनसे वैसे हम बातचीत कर रहे हैं, वीडियो उधर बन रही है, ठीक है, आपकी नहीं बन रही, आप बातचीत करें। अच्छा, घर का निज़ाम किस तरह चलता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, चलते है वो जो गुजारे। अच्छा, वो चलते। नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों की हेल्प की जाए ताकि जो है ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और बरसरे रोज़गार हों और हमारे पाकिस्तान से गुरबत, अफलास, बेरोज़गारी दूर हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।